धरती पे एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद हैं, लेकिन आज के समय का सबसे अद्भुत जीव का भी प्राचीन जानवरों से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। यहाँ बात डायनासोर की नहीं बल्कि उन जानवरों की है जो प्लाइस्टोसीन पीरियड या फिर आइस एज के दौरान पाए जाते थे। जरा सोचिए क्या होगा अगर ये जानवर किसी तरह से सर्वाइव कर गए हों और आज भी जंगलों में मौजूद हों। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि क्या ये प्राचीन जीव आज भी जीवित हैं। दोस्तों कल 2 अक्टूबर था और गांधी जयंती थी और एनिमल्स के बारे में हम लोग बात करें और गांधी जी को याद ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। गांधी जी कहते थे द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन्ट बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। गांधी जी की ऐसी सोच और विचारों के बारे में और जानने के लिए मैं आपको कुकू FM पर गांधी जी पर ये 3 बुक्स आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहता हूँ। पहली बुक है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सेकंड है इंडिया आफ्टर गांधी, थर्ड बुक है साउथ अफ्रीकन गांधी। और आज इन बुक्स को सुनने का बेस्ट डे है क्योंकि कुकू FM पर चल रहा है गांधी जयंती के अवसर पर 50% ऑफ। ये ऑफर दोस्तों 3 अक्टूबर की रात 12 बजे तक ही रहेगा, जिसमें अगर 399 का सब्सक्रिप्शन आप आज ही ले लेते हैं तो आपको ये 199 का पड़ जाएगा, जिसमें आपको एक्सेस मिलेगा 1000 घंटे से भी ज्यादा के ऑडियो कंटेंट का। दोस्तों आपको बता दूं कुकू FM इंडिया का लीडिंग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर मौजूद सभी बुक्स को आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो। अब जैसे आप कोई और काम कर रहे हो और आपको बुक पढ़ने की इच्छा हो तो ऐसे में आप कुकू FM पर बुक सुनते सुनते मल्टीटास्किंग कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अगर आप इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो जो कि 399 का है, लेकिन अगर आप मेरा कोड TM20 यूज कर लेते हो तो आपको इन सब्सक्रिप्शन पर 20% ऑफ मिलेगा। और अगर आप आज यानी 3 अक्टूबर की रात तक 50% का डिस्काउंट और पाना चाहते हो तो आपको सिर्फ कोड यूज करना है गांधी50 और आपको एक्स्ट्रा 50% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपए का पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाइए जाके डाउनलोड कर लीजिए कुकू FM को और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा कुकू FM पर बुक सुनने के बाद। नंबर 1, जायंट ग्राउंड स्लॉथ। जहां आज के स्लॉथ जितने छोटे होते हैं वहीं उनके पूर्वज उतने ही विशाल और भयानक हुआ करते थे। करीब 20,000 साल पहले धरती पे जायंट ग्राउंड स्लॉथ घुमा करते थे जिनकी लंबाई आज के हाथियों के बराबर थी और वजन करीब 4 टन का हुआ करता था। हालांकि ये जानवर शाकाहारी थे और आज के स्लॉथ की तरह ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन इनके शार्प और विशाल पंजों के कारण बड़ा सा बड़ा शिकारी भी इनसे भिड़ने से घबराता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जीव 10,000 साल पहले खत्म हो गए, लेकिन अमेज़न जंगल के अंदर कई लोगों ने एक अजीब से जीव को देखने का दावा किया है जिसे वे लोग मैपिंगवारी कहते हैं। कहते हैं कि मैपिन गुआरी की विशाल और घने बालों से ढकी बॉडी ठीक एक जायंट ग्राउंड स्लॉथ से मेल खाती है। तो क्या ऐसा संभव है कि जायंट ग्राउंड स्लॉथ आज भी साउथ अमेरिका के घने जंगलों में छिपे हैं? नंबर 2, द मोआ। आइस एज के दौरान केवल मैमल्स ही ऐसे जीव नहीं थे जिनका शरीर विशाल था। आज से 1000 साल पहले न्यूजीलैंड की धरती पर एक फ्लाइट लेस बर्ड रहा करती थी जिसकी लंबाई करीब 12 फीट ऊंची थी और वजन एक घोड़े से भी ज्यादा था। इनका शांत स्वभाव ही इनके एक्सटिंक्शन का कारण माना जाता है। कहते हैं कि उस समय के इंसानों के लिए मोआ एक इजी टारगेट था जिससे इंसानों को भारी मात्रा में मांस बिना खतरा उठाए मिल जाता था, लेकिन बहुत से लोगों ने एक विशाल पंछी को देखने की बात कही है जो आज के किसी लिविंग क्रिएचर से मेल नहीं खाता। साल 1993 में पैडी फ्रीने नामक व्यक्ति ने एक मोआ की तस्वीर को खींचने का दावा किया। पैडी समेत 3 लोगों ने जंगल के नदी के किनारे एक विशाल फ्लाइटलेस बर्ड को देखा था। उनको देखते ही वो बर्ड तुरंत वहां से फरार हो गई, लेकिन पैडी किसी तरह तस्वीर लेने में कामयाब रहे थे क्योंकि ये तस्वीर तब ली गई थी जब बर्ड भाग रही थी, इसलिए ये तस्वीर काफी ब्लरी है जिससे इस बर्ड को एक मोआ कहना काफी कठिन है। नंबर 3, मैगेलेनिया। ऑस्ट्रेलिया की धरती विशाल प्रकार के जानवरों के लिए जानी जाती है, लेकिन आइस एज के दौरान जानवर और भी अजीब हुआ करते थे। उस समय ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर एक ऐसा जानवर मौजूद था जिसे दूर से देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई डायनासोर सामने से आ रहा है। मैगेलेनिया धरती पर रह चुकी अब तक की सबसे विशाल छिपकली थी जिसका शरीर एक मगरमच्छ से भी विशाल था। मुंह सीजर शार्प दांतों से भरा था जिसमें जानलेवा जहर भी मौजूद था। यूरोपियन सेटलर्स ने कई बार हैरतअंगेज विशाल छिपकलियों को देखने की बात लिखी है। साल 1980 के कई अखबारों में एक विशाल अननोन लिजार्ड को देखने की बात लिखी गई जिसने कई लोगों के लाइफ स्टॉक को मौत के घाट उतार दिया। साल 1979 में ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टोजुलिस्ट रेक्स गिलरॉय को एक किसान ने ये खबर दी कि उसकी गाय को एक विशाल जीव द्वारा मार दिया गया।
जब रेक्स अपनी टीम के साथ जंगल के भीतर पहुंचे तो उन्हें उस गाय की बॉडी पड़ी मिली जिसे खींच कर इतना अंदर लाया गया था। हैरानी वाली बात थी कि बॉडी के पास उन्होंने एक छिपकली जैसे पैरों के निशान पाए जो करीब 2 फीट बड़े थे। रेक्स का कहना था कि उन निशानों को देखकर उनके दिमाग में सबसे पहले एक मैगलिनिया की तस्वीर सामने आई। नंबर 4, शॉर्ट फेस्ड बियर। आज के समय का सबसे विशाल लोन प्रेडेटर बर्फीली दुनिया में पाए जाने वाले जीव पोलर बियर हैं। लेकिन यकीन मानिए, एक पोलर बियर भी हजारों साल पहले के भालू के सामने एक टेडी बियर ही लगता। शॉर्ट फेस्ड बियर धरती के सबसे विशाल भालू थे जो अपने ही पैरों पे जब खड़े हो जाते थे तो उनकी लंबाई करीब 13 फीट ऊंची पहुंच जाती थी। कहते हैं कि इनका जबड़ा इतना विशाल था कि 2 इंसानों के सर आराम से समा सकते थे। ये भालू धरती पर रह चुके अब तक के सबसे विशाल मीट ईटिंग मैमल थे। हालांकि ये जीव 10,000 BC में एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो संकेत देती हैं कि शायद ये जानवर आज भी जीवित है। नेटिव अमेरिकन लेजेंड्स ने कई बार ऐसे भालुओं का जिक्र किया है जो आम भालुओं के मुकाबले कहीं बड़े थे और जिनके शरीर पर तीर कमान का भी कोई असर नहीं होता था। साल 1854 में नॉर्दर्न कनाडा के कुछ शिकारियों ने एक विशाल भालू को मारने का दावा किया। वे उस भालू के साइज को देख के हैरान थे, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट मैकफर्नेन नामक नेचुरलिस्ट से संपर्क किया। रॉबर्ट ने जब इस जानवर के सर को ध्यान से पढ़ा तो उन्होंने पाया कि उसके पूरे इतिहास में उन्होंने ऐसे भालू का सिर को नहीं देखा। रॉबर्ट ने तो उस जीव को एक नई प्रजाति होने की बात तक कह दी। नंबर 5, सेबर टूथ टाइगर। इस बात में कोई शक नहीं कि जब बात आइस एज के सबसे अद्भुत शिकारी की आए तो सबसे पहला नाम साइबर टूथ टाइगर का आता है। इस प्राचीन शेरों को किलिंग मशीन माना जाता है। इसके शरीर पर भारी मात्रा में मांस मौजूद था जो इन्हें एक ताकतवर जानवर बनाता था और इनके 2 विशाल कैनन्स को देख के अच्छे शिकारियों के भी पसीने छूट जाया करते थे। बहुत से रिसर्चर्स का कहना है कि अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले ट्राइबल लोगों ने उन्हें एक अलग और विशाल शेरों को देखने की बात बताई है। उन्होंने इस जानवर के स्किन को डार्क बताया है जिसपे ब्लैक स्ट्राइप्स मौजूद थे और सबसे बड़ी बात, उन लोगों का कहना था कि उसके 2 विशाल पंजे उसके मुंह से बाहर आ रहे थे जो कि सेबर टू टाइगर के दिखावे से काफी मेल खाता है। साल 1975 में उसी जंगल के पास ही एक हंटिंग एक्सपीडिशन के एक्सपर्ट प्लाटेव क्रेस्टियानो ने एक गुफा से एक अजीब सी आवाज सुनने का दावा किया था। उनके लोकल गाइड ने बताया कि इस गुफा में एक अजीब से विशाल शेर को देखने की बात कही जाती है। तो क्या ऐसा संभव है कि उस समय का खतरनाक शिकारी इंसानों से अनजान अफ्रीका के घने जंगलों में आज भी बसा हो? धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और थिंक मिस्टीरियस को जरूर सब्सक्राइब करें।